बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। केजी क्लास इंग्लिश स्टोरी नंबर 2 रीडिंग स्नोई द लैम्ब। मिशाज़ फादर हैड मैनी एनिमल्स ऑन हिज फार्म। मिशा लाइक द लैम्ब्स द बेस्ट। शी स्पेशली लाइक्ड one small white lamb called Snowy. One day Snowy did not come home in the evening. Misha waited and waited. When it became dark, she was worried. She went with her father to look for Snowy. They took a lantern with them. Suddenly, far away, they heard Snowy calling her mother sheep. They saw that Snowy had fallen into a hole and was hurt. Father gently took Snowy out. They took her to the vet. He said, "Don't worry, I will bandage her leg and she will be okay in a few days." Misha was very happy and looked after Snowy till she was well and running around again. ट्रांसलेशन में आपको थोड़ी बता देती हूँ बच्चों के लिए। एक भेड़ जिसका नाम स्नोई था, वो मिशा के फादर के फॉर्म में थी, ठीक है। तो मिशा को तो वैसे भी जानवर पसंद थे, लेकिन उसमें जो ये स्नोई उसने नाम रखा हुआ था, ये भेड़ उसे बहुत पसंद थी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि स्नोई जो है वो बाहर गई घास चरने के लिए रेवड़ के साथ, लेकिन शाम को फिर वो वापस घर नहीं आई। मिशा काफ़ी देर इंतज़ार करती रही, लेकिन फिर क्या हुआ कि अंधेरा हो गया हर तरफ, लेकिन वो वापस नहीं आई। अब मिशा बड़ी जो है फ़िक्रमंद हो गई और उसने अपने फादर को कहा कि आप मेरे साथ चलें, हम स्नोई को ढूँढते हैं। उसके फादर लालटेन लेकर उसके साथ गए। फिर क्या हुआ, कुछ दूर गए थे, अचानक उन्हें स्नोई की आवाज़ सुनाई दी, जो वो अपनी मदर शीप को, अपनी वालदा शीप को, भेड़ को पुकार रही थी। तो उन्होंने देखा कि स्नोई जो थी एक सुराख सा था, होल था, उसके अंदर गिरी हुई थी। तो फिर उसके फादर ने बड़े तरीके से आराम से बचा के मज़ीद हर्ट ना हो उसे बाहर निकाला, क्योंकि वो ज़ख्मी हो चुकी थी। फिर वो उसे लेके एक जानवरों के डॉक्टर के पास आए, ठीक है। तो उसने कहा कि आप फिक्र मत हो, मैं इसकी टांग पे पट्टी कर दूँगा और ये जो है जल्दी ठीक हो जाएगी। मिशा ने उसकी बहुत केयर की और जब वो ठीक हो गई तो मिशा बहुत खुश थी उसको आगे पीछे दौड़ते हुए देख। Thank you so much. Best of luck. Allah Hafiz.